नमस्कार दोस्तों, यह है 2024 की मारुति डिजायर का VXI न्यू मॉडल CNG में। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी की क्या प्राइस है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है, ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में कितने KMPL का माइलेज देती है और आप कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं, A to Z सब कुछ बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इस गाड़ी का अगर आप पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बेहतरीन लगता है, और अगर आप सेडान गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि मारुति डिजायर से अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग इसमें भरोसा बहुत करते हैं, और कंपटीशन में अगर आप इसके गाड़ियाँ देखेंगे तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है। एक बार आप पूरा सामने से डिज़ाइन देख लीजिए, पूरा बोनट एरिया देखेंगे तो अच्छा खासा चौड़ा है, बीच में लोगो मिल जाता है क्रोम पे, और चारों तरफ क्रोम की ही लाइन दी गई है जिसकी वजह से लुक बहुत बेहतरीन लगता है। मैट ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस हाइड्रोजन बल्ब का यूज किया गया है। साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे फॉग लाइट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो शोरूम या आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि साइड में क्रोम का यूज किया गया है जिसकी वजह से पूरा लुक देखने में बहुत बढ़िया लगता है, डिज़ाइन बहुत बढ़िया है गाड़ी का। ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो दो वाइपर और वॉफर मिल जाता है। रूफ देखेंगे इस गाड़ी की, छत तो पूरी तरह से प्लेन है, पीछे एंटीना मिल जाता है। एक बार इस गाड़ी का पूरा साइड का डिज़ाइन देख लीजिए। यहाँ पे टायर प्रोफाइल देखेंगे तो 14 इंच का टायर मिल जाता है स्टील रिम के साथ, ये व्हील कवर गाड़ी के साथ ही मिलेगा। यहाँ पे ABS प्लस EBD ब्रेक असिस्ट ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। ORVM बॉडी कलर में है, इसी में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज का है, बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिल जाते हैं। आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है, और गाड़ी का पूरा साइड का डिज़ाइन देखेंगे तो बढ़िया लगता है। और इस गाड़ी के अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3995 mm गाड़ी की पूरी लंबाई है। एक बार इसका पूरा आप रियर का डिज़ाइन देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो LED टेल लैंप यूनिट मिल जाता है, नीचे हैलोजन पे इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लैंप दिया है। डिजायर की बैजिंग मिल जाती है, 3D फॉन्ट में क्रोम पे लिखा है। यहाँ पे क्रोम की ही चौड़ी पट्टी मिल जाती है जिसकी वजह से लुक बेहतरीन लगता है। ऊपर क्रोम पे लोगो दिया है। नीचे देखेंगे तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर दिए हैं। VXI मॉडल में कोई भी पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, और नीचे देखेंगे तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, आप कच्चे रास्तों में भी आसानी से लेके जा सकते हैं, और जो लोग टैक्सी यूज करते हैं तो वो कहीं भी लेके जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फ्यूल टैंक दिया है, 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और साइड में ही CNG फिल करने के लिए दिया है। यहाँ पे मुझे बस एक चीज़ लगती है, ये जो CNG फिलर वाला कैप है ये पेट्रोल वाले कैप के अंदर ही होना चाहिए था, उसी जगह पे होना चाहिए था अंदर, क्योंकि इसको कोई भी आसानी से निकाल सकता है। थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता कि दो आपको फिलर कैप दिख रहे हैं, एक पेट्रोल के लिए अलग से और एक CNG के लिए अलग से, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है जिसको प्रेस करके आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो CNG सिलेंडर रखा हुआ है, ऊपर कवर नहीं किया गया है, ये चीज़ भी कवर होनी चाहिए थी। 55 लीटर का यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। उसके बाद भी देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा एरिया मिल जाता है। नीचे स्पेयर व्हील रखा हुआ है, यहाँ पे इसमें आप अपना सामान भी रख सकते हैं। अगर आप CNG में नहीं लेते, पेट्रोल वाला मॉडल लेते हैं, फिर तो आपको लगभग 378 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जिसमें अच्छा खासा सामान आ जाता है। एक बार पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो डोर की ओपनिंग भी अच्छी है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो 2 कलर का यूज किया गया है, ऊपर ब्लैक कलर है, नीचे लाइट कलर है। पावर विंडो का बटन, ओपनर, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे बॉटल रखने के लिए जगह है, और स्पीकर मिल जाता है, इसमें आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। अंदर का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो कुछ इस टाइप से है, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में आर्म रेस्ट है, ये सीट कवर लगा हुआ है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, लेकिन सीट आपको अच्छी मिलती है, फैब्रिक में मिलती है, कुशनिंग अच्छी मिल जाती है। कंफर्ट भी देखेंगे तो अच्छे लेवल का है, कितनी भी दूरी अगर आप सफ़र करेंगे ना थकावट महसूस नहीं होगी। बीच में 2 कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है, और ये भी अच्छी क्वालिटी का है, बीच में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और 4 लोग भी मैनेज कर लेते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये 3D मैट रखा हुआ है, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको प्रैक्टिकल स्पेस बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लेग रूम देखेंगे, नी रूम देखेंगे तो अच्छा मिल जाता है। एक अच्छी चीज़ है कि VXI मॉडल में यहाँ पे पीछे पैसेंजर्स के लिए AC भी दिया है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और
बीच में हम्प देखेंगे तो ना के बराबर है, अगर कोई बीच में बैठेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर कैबिन लाइट मिल जाती है हाइलोजन पे, अगर ये चीज़ें एलईडी में रहे ना तो और अच्छी बात बन जाए। साइड में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है। गाड़ी के अंदर बैठ के अगर आप बाहर चीज़ें देखेंगे तो अच्छी दिखती है, क्योंकि विंडो एरिया बड़े साइज का है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखता है। आगे वाली सीट में देखेंगे तो कवर पे मैगजीन होल्डर भी दिया है, तो इसमें आप बुक वगैरह भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ें रख सकते हैं। ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे भी डोर की ओपनिंग अच्छी है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे, कलर देखेंगे तो पीछे वाले डोर की तरह ही है, जैसे ब्लैक और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। यहाँ पर भी आपको ओपनर क्रोम पर मिल जाता है। और नीचे देखेंगे तो चारों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, वो आरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट दोनों ही कर सकते हैं बीएक्सआई मॉडल में। यहाँ पे फैब्रिक का यूज किया गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच है। नीचे स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर है और छोटा मोटा सामान और भी रख सकते हैं। आगे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आगे वाली सीट देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर हाइट और रिक्लाइन दोनों ही एडजस्ट कर सकते हैं और सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। सीट कवर अगर आप देखेंगे ना, जो ऐसे फ्रीज में मिलता है, शानदार क्वालिटी का है। डैशबोर्ड के साइड में देखेंगे तो एसी वेंट मिल जाता है, इसको आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ बटन दिए हैं, जैसे यहाँ पे पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करने के लिए और सीएनजी से पेट्रोल में स्विच करने के लिए बटन मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प के लेवल को सेट करने के लिए। नीचे ब्रेक क्लच और एक्सीलेटर मिल जाता है। साइड में भी थोड़ी सी जगह है, पैर रख सकते हैं। बोनट ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बूट और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए दिया है। एक बार आप इसका पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर थोड़े से वुडन टेक्सचर का भी यूज किया गया है, जो अलग से हाईलाइट होती है चीज़ें, थोड़ा सा गाड़ी को प्रीमियम बनाती हैं। पूरा स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी देखेंगे तो अच्छा लगता है। एक बार मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। फ्लैट बॉटम वाला स्टीयरिंग व्हील है, ये कवर लगा हुआ है, ये भी ऐसे फ्रीज का ही पार्ट है। बीच में लोगो मिल जाता है, दोनों साइड हॉर्न है, सराउंडिंग में क्रोम का यूज किया गया है, नीचे एयर बैग दिया है। इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है और नीचे टेलीफोनिक का कंट्रोल है, फ़ोन उठाने काटने और ब्लूटूथ का बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में वाइपर का कंट्रोल है, राइट साइड में हेडलैम्प और इंडिकेटर का कंट्रोल मिल जाता है, यहीं से आप हेडलैम्प को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सामने देखेंगे तो फुली डिजिटल क्लस्टर नहीं मिलता, इसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में 220 की स्पीड के साथ स्पीडोमीटर दिया है। बीच में डिजिटल एमआईडी मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे सेंटर कंसोल पे। ये वाला पूरा एरिया देखेंगे तो प्रीमियम लगता है। ऊपर एसी वेंट दिया है, सराउंडिंग में क्रोम का यूज है, बीच में हजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, टोटल चार स्पीकर मिलते हैं। ये पूरी तरह से बड़ा डिस्प्ले नहीं है, आप इसको टच कर सकते हैं। नीचे मैनुअल एसी भी मिल जाता है, कूलिंग बहुत बढ़िया है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे यूएसबी और ऑक्स का सपोर्ट दिया है। नीचे बॉटल रखने के लिए जगह है, मोबाइल रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। क्रोम की टिप के साथ हैंड ब्रेक दिया है, पीछे आर्मरिस्ट देना चाहिए था। डे नाइट वाला मैनुअल आईआरबीएम है। कैबिन लाइट मिल जाती है हाइलोजन पे। ऊपर बातचीत करने के लिए माइक दिया है। ड्राइवर साइड के ऊपर देखेंगे तो सन वाइजर में टिकट होल्डर मिल जाता है, और को ड्राइवर साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया है, ये अच्छी बात है। साइड में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है। एक बार पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देख लीजिए, आप बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम फील आता है। इधर साइड में वुडन टेक्सचर का यूज किया गया है, ये चीज़ें अलग से हाईलाइट होती हैं। नीचे डिफेंस साइज का ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, इसमें भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। अब एक बार हम इस गाड़ी के सेफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल 2 एयरबैग दिए हैं, ABS प्लस EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स सीट माउंट, स्पीड अलर्ट, ये सभी एडवांस लेवल के सेफ्टी फीचर भी मिल जाते हैं। इंजन की बात करें तो K12N डुअल जेट डुअल VVT i4 सीरीज का 1197 cc का BF6 फेज 2 वाला फुली डिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और इसमें आपको 76 BHP की मैक्सिमम पावर और 98 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन से आपको पेट्रोल में 22 KMPL का और CNG में 32 KM/kg का माइलेज भी क्लेम किया जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं ये गाड़ी कितने की पड़ेगी। तो VXi CNG की एक शोरूम प्राइस है 8,44,000 रुपये और ये ऑन रोड आपको लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप पेट्रोल में ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए 1 लाख रुपए और कम देने पड़ेंगे। और अगर आप इसका बेस मॉडल ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 6,56,000 रुपये और ये ऑन रोड आपको लगभग 7,40,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इस गाड़ी में CNG VXi और ZXi मॉडल में मिलती है, बेस मॉडल और टॉप मॉडल में नहीं मिलती। और अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके इसको आप अपने घर ले जा सकते हैं।